दोस्तों, बॉबी देओल के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बॉबी देओल के झोली में एक और बहुत बड़ी पिक्चर आ गई है, या बोल सकते हैं उनके हिस्से में एक और बहुत बड़ी पिक्चर आ गई। जब से आप बोल सकते हैं कि उनके लाइफ चेंज हुआ, जब एनिमल आई, अब सिर्फ 15 मिनट का रोल था, उसके बाद जो उनके जीवन में, या बोलते हैं फिल्मी जीवन में, जो परिवर्तन लाया, वो बोल सकते हैं उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक से एक मूवी उनके हाथ लग रही है, मूवी करने जा रहे हैं। आपको हर मूवी पे मैं अपडेट देता रहा हूं। अब जो मूवी आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी मूवी है। मैं क्यों बता रहा हूं, इस वीडियो में बताऊंगा क्यों बड़ी मूवी है। आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, तो इसलिए कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि ये मूवी जो है बॉबी देओल की, वो आपने देखा होगा, अभी थालापति विजय की मूवी आ रही है, आई है, जो चल रही है, गोट। अब उनकी जो मूवी है, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि थालापति विजय जो है अपनी लास्ट मूवी करेंगे थालापति 69 के नाम से, जिसका नाम नहीं है अभी, क्योंकि उसके बाद वो पॉलिटिक्स में, उन्होंने पार्टी अपनी खोली है, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, तो इसलिए वो उनकी लास्ट मूवी है, एक तरह से फेयरवेल समझ लीजिए। अब उनके साथ एक जो थालापति 69 है, वो मूवी जो है बॉबी देओल की, उसमें एंट्री हो गई है। और एंट्री भी मतलब, आप मेकर का नाम सुनिए, डायरेक्टर का, एच विनोद। अब जो लोग एच विनोद के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता देता हूं कि उन्होंने तमिल में इससे बड़े बड़े पिक्चर किए हैं। इसके पहले उन्होंने सथुरंगा वेटाई, उसके बाद थिरन। थिरन के बारे में बता दो, थिरन एक मतलब 2017 में एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी थी, और इसमें जो जो कार्थी थे, वो उन्होंने इसमें मेन लीड, एक इंस्पेक्टर का रोल किया था, और मुझे लगता है मेरे जीवन के भी एक बहुत अच्छी पिक्चर थी, काफी थ्रिलर मूवी थी। उसमें चेज करते हैं, एक जो ग्रुप होता है जो डकैती करता है और उसके बाद कोई सुराग नहीं छोड़ता, तो वैसी मूवी थी। उसके अलावा उन्होंने नेरोकोंडा पारावाई मूवी की है, वाली माई मूवी भी की है, उसके बाद थुनी भी की है, तो काफी उनका पहले से तमिल में, उनको फिल्मफेयर का डायरेक्ट अवार्ड भी मिल चुका है जो डायरेक्टर। और जो खबर है वो बता रहे, जो जो प्रोडक्शन इनका है, वो टीम लोग इसके टाइटल को वो लोग बता नहीं रहे एकदम, बिल्कुल बहुत ही उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है। और उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल हैज बीन फाइनलाइज एज द प्राइमरी विलेन इन द हाई एनर्जी एक्शन फिल्म अपोजिट थालापति विजय। और इसका उन्होंने बोला है कि द फिल्म विल बी फीचर एन अनप्रेसिडेंटेड शोडाउन बिटवीन द विजय एंड बॉबी देओल एज ए फियरसम विलेन। ये उन्होंने अपने पोस्ट को भी इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है। बॉबी देओल का, जो आप जानते ही हैं कि एनिमल के बाद उनकी एक अच्छा टाइम आ गया, अच्छी मूवी कर रहे हैं वो काफी, तो ये एक बोल सकते हैं कि उनका एक मतलब एक डार्कर साइड है जो समाज का, उसमें जो खबर आ रही है, एक विलेन के अलावा जो समाज का डार्कर साइड है, मतलब एक तरह से डेविल का, उस तरह का कैरेक्टर बॉबी देओल कर रहे हैं। और बॉबी देओल आपको पता है, अभी उनकी कंगवा भी आ रही है सितंबर में, और उसका टीजर टेलर वगैरह भी आ गया, काफी अच्छा टेलर है। देवरा का भी नाम था कि देवरा में भी वो है, लेकिन जो टेलर है वो मुझे पहले से पता था कि दूसरे पार्ट में है उनका, देवरा में, पहले वाले में वो अपना जूनियर एनटीआर है, वो सैफ अली खान है, दूसरे पार्ट में बॉबी देओल की एंट्री होगी। लेकिन मैं देवरा के जो टेलर आया उससे बहुत ही निराश हुआ, मेरे को मजा नहीं आया, लेकिन कंगवा का जो टेलर था वो काफी, बोल सकते हैं काफी अच्छा टेलर था उसका। और इस तरह से बोलते हैं, अब इसमें कौन कौन है मैं बता देता हूँ कि और कौन कौन जो एक्टर हैं वो साइन किए गए हैं बॉबी देओल के साथ। पूजा हेगड़े हैं, सिमरन है, समांथा रूथ को जानते ही हैं वो काफी, उनका समांथा रूथ प्रभु, ममिता भैजू, मोहनलाल हैव बीन सेट टू बी द पार्ट ऑफ द थालापति विजय। मोहनलाल भी, मतलब आप सोचिए मोहनलाल का भी काफी बड़ा नाम है 69 में। तो इस तरह से म्यूजिक जो उसके थाला, इसका म्यूजिक जो दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, सिनेमाटोग्राफी जो है सत्या सूर्यन है, स्टंट जो है अनल वो देंगे, और एडिटर होंगे प्रदीप पीगा। तो मैं सारा चीज ये फाइनलाइज हो गया, और इसके अक्टूबर में
इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी अगले महीने से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और दिवाली में 2025 में इसको रिलीज करने के लिए पूरी तरह से बोल सकते हैं कि तैयार है। एक केवीएन प्रोडक्शन की तरफ से, ये केवीएन जो प्रोडक्शन कंपनी है उसके तरफ से एक कंफर्म न्यूज है, और ये कल ही इसका न्यूज आया इसके बारे में, मतलब कल 5 बजे के करीब में इस न्यूज को ऑफिस, मतलब बोल सकते हैं केवीएन प्रोडक्शन ने अपने जो पोस्ट है इंस्टाग्राम पे उस पर इसमें डाला। तो ये वो उसने डाला हुआ है कि थालापति 69 प्रोजेक्ट अनाउंस टुमारो सितंबर 14 5 PM, तो मतलब आज पूरा तरह से अनाउंस कर देगा, लेकिन ये जो है काफी पूरी तरह से फाइनल होगी, ये इसके कास्ट है। अब आप जानते हैं कि थालापति विजय भी एक बहुत बड़ा नाम है तमिल पिक्चर में देखा जाए तो उनका नाम है, और अभी उनका बैक टू बैक सनी बॉबी देओल का देख रहे हैं कि जितने भी साउथ इंडियन पिक्चर है ना उसमें आज कंगुआ है, उसके बाद हरिहरा वीरामालू है, इस तरह से उनका बालाकृष्ण के साथ भी 107 भी आ रही है, तो काफी मतलब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसमें काम कर रहे हैं। मैं उसमें कंगुआ का ट्रेलर भी आ गया, तो कंगुआ रिलीज होने वाली है, और वो काफी मुझे इंटेंस लगा, मतलब उसके जो ट्रेलर देखने के बाद एक्साइटमेंट जगा कि वो पिक्चर को देखना चाहिए। तो ये खबर थी जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।